हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा आज का टॉपिक हो गया है थायराइड है। थायराइड क्या चीज़ है, थायराइड कैसे बढ़ती है, थायराइड की वजह से आपको क्या हो सकते हैं, वो सारे का सारे डिटेल्स हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से, ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा और मेरा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर पसंद लगे तो सब्सक्राइब करके रखें कि अगले वीडियो हम आपको आपको तक मिल सके। ठीक है, थायराइड क्या चीज़ है। थायराइड में आपका, अगर थायराइड आपका बढ़ गया, थायराइड की वजह से आपको क्या सिम्टम होगा, आपके शुरुआत से आपका हेडेक होगा, सर दर्द होगा। सर दर्द ऐसा सर दर्द होगा जैसे कि ऐसा मैच जैसे आँख निकाल के गिर जाएगा। कभी सामने तरफ, कभी बायां तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी पीछे, कभी ऊपर, मतलब चारों तरफ में सर दर्द कर सकते हैं। और इस सर दर्द में आपका बहुत, आपका बहुत सुस्ती लग जाएगा कि ये सर दर्द के मतलब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मन में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा महसूस होगा कि आँख निकाल के गिर जाएगा। अपना शरीर जो, आपका बदन जो, पूरा ऑल बॉडी आपका जाम हो जाएगा। मतलब बॉडी को आपका जैसे एनर्जी टाइप में एनर्जी नहीं रहेगा, आपका पूरा बॉडी जाम लगेगा। आपका सर को थोड़ा जाम फील होगा, नेक पे लगा। आप जो नर्वस सिस्टम का पेन है, नाक की जो पेन है, वो आपका बदन में हमेशा रहेगा। और ये पेन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब पेन होता है पेन डिलीवर टेबलेट ला के खा देते हैं। सर दर्द कर रहा है, सर दर्द की टेबलेट सेरिन वगैरह, जैसे एनाल्जेसिक वगैरह ला के हम लोग खा देते हैं। थोड़ा बस कम भी होते हैं, फिर से शुरू होता है। तो अगर टेबलेट खाने के बाद, उसके गोली लेने के बाद में थोड़ा बस हल्का हुआ, फिर दूसरे दिन में शुरू, फिर तीसरे दिन में, हमेशा इसे सर दर्द करते रहेगा। उस समय आपको थायराइड चेक करना जरूरी, क्योंकि आपका उस समय थायराइड होने का शक है, तो थायराइड टेस्ट कीजिएगा। और दूसरा देखिए, थायराइड का वजह से आपका अगर नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है, नर्व का पेन है, न्यूरोपैथिकल पेन है, तो उसके बाद में आपका थायराइड अगर ज़्यादा है तो आपका ये पेन कभी रिलीफ नहीं होगा, कभी रिलीफ नहीं होगा। दवा लेंगे, गोली खाएंगे तो थोड़ा बस ठीक होगा, उसके बाद में फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी ऐसा करके आपको कितने दिन दवा खाएंगे, कितने टेबलेट खाएंगे, सर दर्द का कितने खाएंगे टेबलेट खाएगा, बॉडी पेन का पेन किलर टेबलेट वगैरह, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, आपको पहले थायराइड चेक करवाना है। थायराइड चेक करके आपका देखिएगा थायराइड कितना बड़ा हुआ है, उसके हिसाब में थायरोक्सिन ग्रुप के कोई भी दवा आपका मात्रा अनुसार कितना बड़ा हुआ है, उसी का मात्रा अनुसार आपका ये गोली खाइए, ये थायराइड का टेबलेट खाइए, बस आराम मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बस थोड़ा कुछ देर खाने के बाद आपका ये बीमारी जो है ठीक होगा। थायराइड में आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये सब लेके भी हम लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। थायराइड में आपका जैसा कोई मुक्तल नहीं, कैबेज नहीं खाना है, ये सब चीज़ ग्रीन बेस में पड़ता है, ये सब में कोई कोई चीज़ें नहीं खाना है। और बाकी जो है मीट वगैरह ये सब नहीं खाने है, ये सब खाने से आपका थायराइड तो जितना नहीं बढ़ सकते हैं। और दूसरा बात देखिएगा, थायराइड के जो दवा है छोटा डब्बा में आपका, जैसे कि ये टेबलेट देखिए थायरॉक्स 100 बोल के, एक गोली में एक छोटा डब्बा में 100 टेबलेट रहते हैं। रोज़ खाली पेट में एक एक करके टेबलेट खाते रहिए, आपका कम से कम 2-3 महीना तक खाना है, तभी थायराइड आपका टोटली रिलीफ।